नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हेतु भाई में। जी हाँ किसान भाइयों, आपके लिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आपको समय व्यर्थ नहीं, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। चलिए आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूँ, फटाफट बीकानेर की मंडी से शुरू करें तो मूँगफली बिकी 4200, गुवार बिका 3790 रुपये, मोठ बिके यहाँ पर 5736 रुपये, बाजरा बिका 1900, तेल बिका 8040, गेहूँ बिका 2100, बिकी 3780, मूंग बिके 7200। वही हम चूरू की मंडी से बात करें तो मूंग बिका 7200, तिल बिके यहाँ पर 9000 रुपये, बाजरा बिका 2050 रुपये, मूँगफली बिकी है 5000, गंवार बिका 3900, बिकी 4000। गंगानगर की मंडी से बात करें तो गंवार बिका 3885 रुपये, गेहूँ बिका 2000, मूंग बिके 7450 रुपये, कपास बिकी 5400, बिकी 3800, चन्ना बिका 4000, मोठ बिका 5600। वही हम हनुमानगढ़ मंडी से बात करें नोहर की मंडी में तो गंवार बिका 3700, चन्ना बिका 3746, कपास बिके 5350, मूंग बिके 7200, गेहूँ बिका 2100, तिल बिके 10000। वही हम जोधपुर की मंडी से बात करें तो बिलड़ा मंडी में जोधपुर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। यहाँ पर अनाज में कपास बिकी 5400, बाजरा बिका 2400, जीरा बिका 14000, लहसुन बिका 12000, मूंग बिके 7050। मूंग में यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर मूंग 1400 से लेकर 75 तक पहले 10 दिनों तक बिक रहे थे, अब यहाँ पर मूंग में 7000 तक काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग हमें 500 रुपये का गिरावट देखने को मिली। वहीं गंवार की बात करें तो गंवार बिका 3700, जोधपुर की मंडी में मोठ बिके 5050, इसबगुल बिकी है 10130 रुपये, मेथी बिकी है 4000। नागौर की मंडी में बात करें तो नागौर की मंडी में बाजरा 1850, बाजरा में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। गंवार 3702 रुपये, नागौर की मंडी में मोठ बिके 5200, तिल बिके 8000। और यहाँ पर नागौर की मंडी में तिल में गिरावट देखने को मिली है, तिल में भी पहले दिन बिकता था यहाँ पर 11000 के आसपास, अब यहाँ पर आंकड़े छूरे 8000। मूंग बिके 7400, सरसों बिके 3900, जीरा बिका 14500 रुपये, इसबगुल बिके 10000। किसान भाई बात करें तो लेटेस्ट सभी अनाज को भाव मूंग और सभी बार मंडियों में काफ़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। आप पूछ रहे हैं भाई कमेंट करके भाई अब क्या और उछाल देखने को मिल सकता है। हमें उम्मीद है कि भाई अब भाव जस कते से यही भाव बना रहेंगे मूंग और भी मोठ में, उम्मीद है क्या और भी आगे उछाल मूंग मोठ अब एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है और मूंग में यस कते से बना रहेगा। बाकी आप किसी भी मंडी की अपने ज़िले और अपने मंडी का नाम हमें ज़रूर बताइए, हम उस मंडी के भी भाव बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी।